दो दिन से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास ले रहे, 2024 का चुनाव गडकरी लड़ेंगे या नहीं। लेकिन इस तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए खुद नितिन गडकरी ने यह साफ कर दिया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। 30 मार्च को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मीडिया से बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा राजनीति से संन्यास लेने का भी कोई इरादा नहीं है। तो नितिन गडकरी का बयान सुन लीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलो, तुमच्याकडे तुम्ही तुमची जरा विश्वसनीयता वाढवली पाहिजे। एक माणूस कोणीतरी असा असतो तो चुकीची खोटी न्यूज छापतो आपल्या वेबसाईटवर, बाकीचे लोक त्याचा आधार घेतात। मी असं म्हटलं की विकासाची कामं आपण केली पाहिजे, सामाजिक कामं केली पाहिजे, पर्यावरण शिक्षण सेवेत कामं केली पाहिजे, मग आपल्याला केवळ निवडणुकीकरता आपल्याला मतं मागण्याची गरज नाही। लोक आपल्याला आपल्या कामाने आपोआप मतं देतात, त्याच्याकरता मग आपल्याला मतं द्यायची लोणी लागायची गरज नाही। असे असे ह्याच्यातलं मी माझ्या भावात ते मांडलं होतं। मी ना कुठे राजकारण निवृत्त होणार आहे आणि मी काही म्हटलं, पण दुर्भाग्य असं आहे की बऱ्याच वेळा न समजता आपण घाईघाईतून काहीतरी सनसनाटी छापलं पाहिजे, असे तुम्ही नाही आहात पत्रकार तुमच्यापैकी कोणी, पण इतर काही असे असतात आणि त्यामुळे त्याच्यातून काही वेळा गैरसमजही होतात आणि विश्वसनीयता करतात। गडकरी को उनके काम करने की तेजी के लिए लोगों के बीच जाना जाता है। गडकरी ने इस मौके पर 15,000 करोड़ रुपए की 3 नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। लेकिन संन्यास लेने के बाद से एक सवाल उठता है कि नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे उनके सियासी भविष्य पर चर्चा होने लगी। दरअसल 26 मार्च को नितिन गडकरी ने नागपुर में एक समारोह में कहा था कि मैं देश में जैव ईंधन और वाटर शेड संरक्षण सहित कई प्रयोग कर रहा हूं, अगर लोग इन्हें पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे वोट मत दें। मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने वाला नहीं हूं। मैं एक सीमा से ज्यादा किसी को खुश नहीं रख सकता, यहां तक कि अगर कोई दूसरा भी मेरी जगह आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब मैं अपने काम को और ज्यादा समय दे सकूंगा। उनके इसी बयान से ये कयास लगाए जाने लगे कि शायद बीजेपी उन्हें 2024 में टिकट न दे। हालांकि अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जब इस बयान को लेकर उनके कार्यालय से संपर्क किया गया था तो उनके अधिकारी की ओर से बताया गया था कि मंत्री के बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। साथ ही कहा गया था कि गडकरी ने केवल ये स्पष्ट किया था कि वो वोट पाने के लिए किसी को खुश करने वाली राजनीति नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नितिन गडकरी पहली बार बयान देकर चर्चा में आए हों, इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से गडकरी की चर्चा होती रही है। इससे पहले गडकरी ने जुलाई 2022 में भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। उनके बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हो गई थी कि क्या गडकरी राजनीति छोड़ने की सोच रहे हैं। उनके बयान के बाद कई तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने लगे थे। जुलाई 2022 में नितिन गडकरी ने कहा था कि हमें राजनीति का मतलब समझने की जरूरत है, क्या ये समाज की भलाई के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए। राजनीति महात्मा गांधी के जमाने से एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसमें राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए की जा रही है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीति के अलावा जिंदगी में कई चीजें हैं जो की जानी चाहिए। ये नितिन गडकरी का 2022 वाला बयान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी में अकेला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं जो अपने काम के लिए, समय से काम के लिए जाने जाते हैं और जब भी बयान देते हैं तो हेडलाइंस में रहते हैं, और उनकी मौजूदगी में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में, वो इकलौते ऐसे गृह मंत्री हैं जो स्वतंत्र होकर अपनी बातों को रख पाते हैं सबके सामने। अब आपको बताते हैं कि संघ का समर्थन और नागपुर से दिल्ली में एंट्री तक की सफर राजनीति में क्या रही नितिन गडकरी की। बात 2009 की है जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 52 साल के गडकरी पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। उन्होंने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की, मैंने कार्यकर्ता के रूप में दीवारों पर पोस्टर चिपकाए और आज पार्टी के शीर्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी ये बात कह रहे थे तो उनके साथ अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी मंच पर बैठे थे। साल 2010 में जब इंदौर में बीजेपी नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी तो लगभग 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इंदौर पहुंचे थे। पार्टी में उनकी खूब लोकप्रियता थी। उस वक्त जब बैठक का आखिरी दिन था तो गडकरी ने मन्ना डे का एक गाना गुनगुनाया था। वो गाना था कि जिंदगी कैसी है ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये गाना गडकरी के राजनीतिक सफर को सरलता से बयां भी करता लग रहा था।
कभी जिसको दोबारा अध्यक्ष चुनने के लिए बीजेपी ने संविधान बदला था, आज वही गडकरी ना तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड का हिस्सा है और ना ही केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। इसके पीछे की वजह है पीएम मोदी और गडकरी के बीच में मनमुटाव। जब गडकरी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात आई, उस वक्त तक पूर्ति समूह घोटाला का मामला चर्चा में आया था, जिसमें सर्वे सर्वा गडकरी थे। हालांकि बाद में इस मामले में गडकरी के खिलाफ कुछ सामने नहीं आया, लेकिन वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सके। नितिन गडकरी को आरएसएस का करीबी माना जाता है। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी की इस सरकार के समय में भी गडकरी संघ के सबसे पसंदीदा है। गडकरी कैसे व्यक्ति है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि विपक्ष की सोनिया गांधी भी साल 2018 में गडकरी के लिए प्रशंसा से भरा एक पत्र लिखा था। सोनिया गांधी ने परिवहन मंत्री की ओर से रायबरेली में उठाए गए सकारात्मक कदम की सराहना की थी और विकास कार्य में तेजी लाने के लिए धन्यवाद दिया था। ऐसे में जब भी राजनीति से संन्यास लेने की बात होती है तो हर वक्त नितिन गडकरी को लेकर चर्चा तेज हो जाती है कि क्या वो संन्यास लेंगे या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।